What's up, beautiful people? Hope you guys doing great. और आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ. I mean, just look at this. DJI Mini 2. तो हम बॉक्स को ओपन करते हैं. हमें मिलता है एक बैग. बहुत बढ़िया क्वालिटी का बैग है. एंड उसके साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आती हैं आपके लिए. और ये कुछ मैनुअल्स हैं जो कि आपको रीड करने चाहिए. यानी नहीं कि बात ये बहुत सारी चाइनीज में लिखी है. कुछ इंस्टाग्राम का जमाना है भाई. तो आज हम देखने वाले कि हमारे पास क्या क्या है इसमें. और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान है, इसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन पहले हम दिखाते हैं आपको अपना ड्रोन. मार्च को जो कि मेरे पास आया था. और आज है 14 मार्च. तो मुझे 25-26 दिन हो चुके हैं इस ड्रोन को फ्लाई करते हुए. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रोन. और आई थिंक मेरा बहुत पहले ड्रोन है तो मुझे शायद थोड़ा और बढ़िया सा लगेगा. तो मैं कुछ चीज़ें नोटिस करना चाहता था, इसको उड़ा कर देखना चाहता था. और इसके बारे में कुछ डाउन साइड्स और कुछ अच्छी चीज़ें मैं इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहता था. इसीलिए मैंने पहले वो वीडियो नहीं डाली. बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ड्रोन लॉज जो कि इंडिया में है और ये कहाँ कहाँ पे बेहतर उड़ सकता है, कहाँ पे इसकी डाउन साइड्स हैं. और ऑलमोस्ट इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रोन ऑफ कोर्स. तो मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ड्रोन. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रोन. ओके, ये इसका कवर है जिससे आप प्रोपेलर्स को सेफ रख सकते हैं. एंड And this is great. And look at this. और इसके साथ जब हम इसको अनफोल्ड कर देते तो यहाँ पे हमें मिलता है एक जो कि हमारे गिम्बल की सेफ्टी के लिए, कैमरा गिम्बल की सेफ्टी के लिए एक केस मिलता है. एंड बहुत आराम से इसको निकालना पड़ता है बिकॉज जो गिम्बल है वो बहुत सेंसिटिव है. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रोन. अब मैंने चेक किया था कि ड्रोन का वेट कितना है. ये ऑफ कोर्स 249 ग्राम्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन शायद वो चैलेंज करने के लिए है. तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो वो 240 ग्राम्स का था. एंड इसके बाद हमें मिलता है एक कंट्रोलर जिसका साइज ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा है और ये हैवी वेट का है. तो इसके बाद हमें मिलती है यहाँ पे नीचे, इसको निकाल के आप यहाँ पे डाल सकते. ये यहाँ पे आपका कंट्रोलर हो जाता है. दूसरी चीज की तरफ जो कि है चार्जर, ये आपको मिलता है 3 बैटरीज के साथ. अगर आप फ्लाई मोड कॉम्बो लेते हैं, ऑफकोर्स मैंने फ्लाई मोड कॉम्बो परचेज किया क्योंकि यहाँ पे बैटरीज इश्यू होता है. एक बैटरी आप 30 मिनट से चला सकते हैं. मैंने जहां तक देखा, मैंने नोट किया 30 मिनट तक चल जाती है बैटरी. तो और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ जो कि मैंने इसमें डाल के रखी है. यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सामान मिल जाता है एक्सेसरीज के लिए. तो एक्सेसरीज में मिल जाती हैं एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स एंड एक स्क्रू ड्राइवर जो कि आप प्रोपेलर से आपके खराब हो जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब प्रोपेलर चेंज करके. और इसके बाद कुछ और भी सामान है. एक चार्जर मिल जाता है आपको यहाँ पे अपना ड्रोन. एंड इसकी लिमिट है, अगर आप इसे इंडिया में उड़ा रहे हैं तो आपको इसकी लिमिट शुरू शुरू में आपको इसकी लिमिट मिलती है DJI की तरफ से 15 मीटर अगर आप इंडिया में फ्लाई करें, जो कि ऑफकोर्स आप कर रहे हैं. ये इसकी डाउन साइड है. बट इसका एक सॉल्यूशन है, मैंने एक ऐप इंस्टॉल की है रेनबो नाम की ऐप जो है, जो कि काफ़ी अच्छी है और उसमें आप इसकी लिमिट अनलॉक कर सकते हैं. एंड दैट ऑफकोर्स मुझे इसकी काफ़ी अजीब सी चीज़ लगी जो कि थी कि DJI की जो ऐप थी वो प्ले स्टोर पर नहीं थी और रेनबो जो कि एक ऑफिशियल DJI की ऐप नहीं है जिससे हम ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाती है. मतलब अब बात कर लेते हैं इंडिया में ड्रोन लॉज की.
तो ड्रोन लॉज की अगर बात करें तो ये नैनो कैटेगरी में आता है, इट मीन्स ये 250 ग्राम्स के नीचे है, 249 ग्राम्स इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, बाकी 240 ग्राम्स का है, जहाँ तक मैंने चेक किया था ये 240 ग्राम्स का है, तो ये नैनो कैटेगरी में आता है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसे किसी मिलिट्री जोन में, डिफेंस सिस्टम के जोन में, डिफेंस से रिलेटेड किसी भी प्लेस पर आप इसे ना उड़ाएं, जैसे कि आर्मी कैंप्स एंड पुलिस स्टेशन और भी बहुत सारी जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, आप वहाँ पर इसको फ्लाई नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। मैंने अपनी सीरीज के कुछ शॉट्स लिए थे एंड देयर वाज स्टनिंग ब्यूटीफुल, और वो एक बर्ड आई व्यू था तो वो बहुत प्यारा लग रहा था, देयर वाज जस्ट ब्यूटीफुल। तो ट्रैवलिंग पे के यहाँ पे फोटोज मिल जाते हैं जिससे मैं कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट दीज फोटोज आर स्टनिंग एंड आई रियली लाइक इट। आप इस पे ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं फोटोशॉप या लाइट रूम से, क्योंकि इसके पिक्सल्स इतने ज़्यादा नहीं है और इसके सेंसर साइज उतना भी बड़ा नहीं है जितना कि आप सोचते हैं, तो ऑफकोर्स बेहतर शॉट से लीजिए। और अब अगर आपकी बात कर लें कि इसका वीडियो का, तो वीडियो यहाँ पे मिल जाती है आपको 4K एंड क्वालिटीज में काफ़ी इम्प्रेस हूँ इसकी, क्योंकि मैंने इसे ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग की मैंने इसके साथ शूट किया है और दैट इज ब्यूटीफुल। इसके मेजर डाउन साइड से वो मैंने नोटिस किया कि ये पानी के ऊपर हवर नहीं कर पाता है, अगर आप इसको पानी के ऊपर उड़ा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, आप उसको आप कंट्रोलर अपने हाथ में रखिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको पानी के ऊपर हवर करते हैं तो वो एक जगह पे नहीं रुकता है, ये हवर नहीं करता है, नीचे आता रहता है। शायद इसको डिटेक्ट करने के लिए इसके सेंसर को एक सॉलिड सर्फेस जरूरत होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ा देते हैं तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम इशू वगैरह आता है नहीं। बट स्ट्रॉन्ग विंड में काफ़ी इसका गिम्बल बहुत बढ़िया था और मुझे बहुत स्मूथ शॉट मिले तेज विंड के हिसाब से भी, लेकर ऑफकोर्स मैंने बहुत तेज हवा में इसे नहीं उड़ाया और जब हवा तेज थी मैंने इसे उड़ा कर देखा इसकी टेस्टिंग के लिए, बट ये काफ़ी अच्छा काम करता है और मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं। एक ही बार आया था जब बहुत तेज स्ट्रॉन्ग हवा थी तो इसका गिम्बल जब विंड की डायरेक्शन में था तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा शेक कर रहा था, बट काफ़ी हद तक ये स्मूथ है। और अब बात कर लेते हैं इसके एक और डाउन साइड की जो कि मैंने नोटिस किया है, वो है इसका कंपास। एक बात ध्यान रखिए कि आप इसके पास आसपास चुंबक ना रखें, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके पास ना लेकर आएं, ये इसके कंपास में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि मुझे नोटिस हुआ था जब मैंने इसको फ्लाई किया था एक सेलफोन टावर के ऊपर से। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गेयर टू फ्लाई दैट हाइट, तो इंडियन रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप इसको 200 मीटर उड़ा सकते हैं जो कि होता है 60 मीटर्स अराउंड, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट ओवरऑल दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रोन एंड आई रियली लव इट। और ये बहुत सारे मस्त मस्त वीडियोज और व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल बॉडी, which is amazing, and I will catch you guys in my next video. Till then, take care, goodbye, dhanyavaad.